किस तरह से कहर बरपाया है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ गोवा के सालीगांव में। सालीगांव के यहाँ पर आपको कैमरा पर्सन उत्तम तस्वीरें दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल है जो यहाँ पर तेज़ हवाओं की वजह से धराशायी हो गए। इसके अलावा कई झाड़ जो है वो गिरे हैं, कई दुकानों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। गोवा सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक करीबन 500 बड़े पेड़ जो है वो गिरे हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के पोल को नुकसान पहुंचा है, करीबन जो जानकारी बताई जा रही है उसके मुताबिक 4 से 5 दिन बिजली को रीस्टोर होने में यहाँ पर लग सकते हैं। लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान जो है इस तावते तूफान की वजह से गोवा में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर इंटरनेट सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो गुल होने की वजह से लोगों को मोबाइल चार्जिंग से लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ऑरेंज अलर्ट भी गोवा में आज के दिन के लिए जारी किया गया है, यानी तेज़ बारिश जो है वो गोवा में हो सकती है। इसी तरह की तस्वीर जो है वो गोवा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। हम हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, ABP News, गोवा।